नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर आया है वायरल सच, जहां पर हम एक्सपर्ट्स को आपके लिए सामने लेकर आएंगे, आपसे उनकी बातचीत करवाएंगे, जहां पर वो आपको टिप्स देंगे जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं। पिछली बार हम आपके सामने लेकर आए थे सीए साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर बजट आ रहा है तो उसके ऊपर हमारे ये क्या है ये भी आपको पता लगे। तो इसी के मद्देनजर आज जो है हम रेरा एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ है, एडवोकेट अभय जैन जी हमारे साथ है, जो कि रेरा एक्सपर्ट है। आज उनसे हम जानेंगे कि रेरा क्या है, किनके लिए है, किनको इनसे फायदा पहुंचता है, कैसे हम इसके जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, हमें अगर जरूरत पड़े और हमें किस मोड़ पर जरूरत पड़ सकती है रेरा की, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। सबसे पहले अभय जैन जी आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम रेरा तो बोल रहे हैं, बट काफी लोग हैं, या हम कहें कि हमारे काफी व्यूवर्स हैं, जो जानते ही नहीं है कि रेरा होता क्या है। तो हम सबसे पहला बेसिक पॉइंट ले कि रेरा क्या होता है। रेरा की फुल फॉर्म रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इस सेंटर गवर्नमेंट ने एक्ट को पास किया, ये 17 मई से पूरे भारत में एक्ट लागू हुआ है जी। अगर आप देखेंगे तो रियल इस्टेट सेक्टर में डेवलपर काम करते थे, और एक आम आदमी फ्लैट लेता था, प्लॉट लेता था, दुकान लेता था, परंतु यह सेक्टर अनरेगुलेटेड था। अनरेगुलेटेड मतलब कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि जो मान लो डेवलपर बदमाशी कर रहा है जी जी, तो अलोटी कहाँ जाए। तो जब यह एक्ट बना, इस सेक्टर को रेगुलेट कर दिया गया, मतलब कि कोर्ट बन गए पूरे भारतवर्ष में, हर एक राज्य में। उसमें ये प्रोविज़न रखा गया कि अगर कोई डेवलपर किसी लोटी का शोषण करता है, उसका मकान उसकी दुकान समय पर नहीं देता है, या क्वालिटी ठीक नहीं बनाता है जैसा वो कमिट करता है जी जी, या पैसे ज़्यादा मांगता है जी जी, तो वह आदमी वह लोटी इस फलाना कोर्ट में आकर अपनी ग्रीवेंस को कह सकता है, और कोर्ट को फिर जजमेंट देना होगा दोनों बातों को सुनकर। तो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी इंडिया में बनी और हर एक राज्य में बनी। तो वो इसलिए बनी ताकि रियल इस्टेट सेक्टर में जो अनियमितताएँ हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं जी जी, उसको पूरा किया जा सके और आम आदमी का डेवलपर शोषण ना कर पाए। तो ये जो आप रेरा के बारे में बता रहे हैं सर, तो इसमें ऐसा भी कुछ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाले इसमें जा सकते हैं या प्रीमियम वाले जा सकते हैं, कि सबके लिए ये काम करता है या किसी एक स्पेशल वर्ग के लिए कुछ है ऐसा? नहीं, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक तो मकानों के लिए जी और दुकानों के लिए। अगर कोई भी डेवलपर 500 गज से बड़ा यदि जमीन लेता है और वहाँ फ्लैट बनाता है जी जी, तो वो और प्लस अगर वो 8 फ्लैट बनाता है जी, 8 से ज़्यादा फ्लैट बनाता है, तो उसको रेरा के अंदर आता है वो जी। तो इस तरह, क्योंकि जितने बड़े डेवलपर होते हैं तो वो बड़े बड़े काम करते हैं। तो यदि आप कोई भी इवन ऐसा ले लीजिए, यदि कोई मान लो है जो प्लॉट ले रहा है, वहाँ 10 फ्लैट बना रहा है, तो उसको भी रेरा में जाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और उसको सारी जानकारी रेरा अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। प्लॉट कितने का है, किस से मैंने उसने परचेज करा, कितने परचेज करा जी जी, वो कितने का फ्लैट बेच रहा है, उस फ्लैट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा जी, तो सारी जानकारी उसको अथॉरिटी में देनी पड़ेगी। तो इस तरह जो अलोटी है, जो एक आम आदमी है, उसको हर एक प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो उससे जो डेवलपर पहले शोषण करता था, पहले एक्चुअली आप अगर नोट याद करें तो 2013-14 तक ये हो रहा था कि डेवलपर खाली जमींदार से जमीन ले ली, एग्रीमेंट कर लिया, परचेज भी नहीं करी। अच्छा जी। और लाइसेंस ले लिया, फिर उसने दिखाया भी ये जमीन मेरी है, मैं फ्लैट बना रहा हूँ जी, और फ्लैट लोगों ने फ्लैट उसने बेच भी दिए, लोगों ने अपने हार्ड एंड मनी दे दी, फिर वो ना तो उसका लाइसेंस नहीं मिला, या मिला तो लेट मिला। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ताकि डेवलपर आम आदमी का शोषण ना कर सके, इसलिए ही ये रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरे भारत में बनी है। तो इसमें कुछ टाइम बाउंड भी होता है कि जैसे हम काफी बार तो हम अदालतों की अगर बात करते हैं, काफी केसेस तो है 15-15, 20-20 साल लटके रहते हैं, तो क्या रेरा में भी कुछ ऐसा है या कुछ टाइम बाउंड है कि नहीं, इतने टाइम में जो है इसका सोल्यूशन निकल जाएगा? देखिए, जब ये एक्ट बना तो हमारे पार्लियामेंटेरियन को इस बात का पता था कि उससे पहले अलोटी डेवलपर जो था उनका डिस्प्यूट कंज्यूमर कोर्ट में जाते थे जी, तो उनको पता था कंज्यूमर कोर्ट में काफ़ी समय लग जाता है जी जी, इसलिए एक्ट में साफ प्रोविजन कर दिया गया सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 के तहत
कि 60 दिन में फैसला करना है, 60 दिन में। परंतु अभी 60 दिन में फैसला नहीं हो पा रहा, परंतु एक्ट में साफ प्रोविजन है। परंतु फैसला जो पूरे इंडिया में हम लोग देखते हैं तो लगभग एक साल का एवरेज टाइम लग रहा है, पर एक साल भी कोई बहुत बड़ा टाइम भी नहीं है। अगर आप 15 साल की माने तो? हाँ, वही मैं कह रहा था जी। कभी कभी पहले 3-4 साल 5 साल लग जाते थे, तो अब एटलीस्ट एक साल में जजमेंट आ जाती है। तो अब डेवलपर को थोड़ा डर बैठ गया है कि अगर वो आम अलूटे का शोषण करेंगे, आम बायर का के साथ अगर उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनसे ज़्यादा पैसे लेंगे या क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं देंगे, तो अलूटी बायर कोर्ट चला जाएगा, रेरा थोटी चला जाएगा, फिर वहाँ से उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, डिले पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्वालिटी ठीक देनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम में सुधार आया है। तो अगर हम बात करें रेरा की, तो रेरा में अगर अभी हम जैसे गुरुग्राम में ये लाइव कर रहे हैं हम, तो अभी गुरुग्राम के लिए क्या सिस्टम है, या पूरे हरियाणा का सिस्टम सेम है, या स्टेट वाइज कोई डिफरेंस रहता है इसमें? हाँ, जब ये सेंटर ने एक्ट पास किया तो हर एक राज्य को कहा कि आप अपने राज्य में अथॉरिटी बनाएं। जी, हरियाणा पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ दो अथॉरिटी बनी। यूपी बहुत बड़ा है, वहाँ भी उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई और नोएडा में उन्होंने एक ब्रांच, एक बेंच बना दिया। राजस्थान इतना बड़ा है, महाराष्ट्र इतना बड़ा है, वहाँ भी उन्होंने एक एक अथॉरिटी बनी। परंतु ये हरियाणा की खुशकिस्मती है कि हरियाणा में दो अथॉरिटी बनी, हरियाणा को दो भागों में बांट दिया। अगर किसी भी बायर का प्लॉट गुड़गांव जिले के अंदर आता है तो गुड़गांव के लिए उन्होंने अलग अथॉरिटी बना दी जी। और हरियाणा के जो बाकी 21 जिले हैं उसके लिए अथॉरिटी पंचकूला बना दी। मतलब अगर आपने जहाँ बाई करी है प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी आपने गुड़गांव में बाई करी है, वो प्रोजेक्ट गुड़गांव का है जी, उसका डेवलप करने वाला चाहे बम्बई में रहता हो चाहे दिल्ली में रहता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो प्रोजेक्ट कहाँ लिया है आपने, अगर यूनिट मान लो गुड़गांव में कोई डेवलपर बना रहा है गुड़गांव में लिए, तो गुड़गांव अथॉरिटी में वो केस फाइल करेगा। गुड़गांव के अलावा हरियाणा में किसी और पार्ट में कर, मान लो आपने को फ्लैट लिया है फरीदाबाद में लिया है, रोहतक में लिया है, रिवाड़ी में लिया है, सोनीपत जींद कहीं लिया है जी, तो उसके लिए उन्होंने पंचकुला बना दिया। तो हरियाणा इज द ओनली ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर जहां दो अथॉरिटी बनी है, एक गुड़गांव और एक पंचकुला। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि दो अथॉरिटी होने के बाद काम बट गया है जी, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी, और काफ़ी लोगों ने अपने लोगों अपने केस फाइल करके काफ़ी उनको रिलीफ भी मिला है दोनों अथॉरिटी से। अगर हम रेरा की बात करें तो काफ़ी बार जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर हम कभी देखें कि बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है रेरा अप्रूव्ड। तो कैसे जो बायर्स हैं या जो लोग कुछ लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें या कैसे चेक करें कि वो सही में रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं है? देखिए, जब 1 मई 2017 को रेरा एक्ट हरियाणा में लागू हुआ जी, या पूरे देश में जब लागू हुआ, तो उसमें साफ प्रोविजन है कि कोई भी डेवलपर जी, अगर 1 मई 2017 की मैं अगर बेंचमार्क मांग चलता हूँ, तो उस वक्त अगर जो डेवलपर अपने जिनके प्रोजेक्ट ऑनगोइंग थे, तो उनके लिए भी मैंडेटरी था कि उनको रेरा में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना था जी। हरियाणा की अगर बात करते हो तो अगर उनका प्रोजेक्ट गुड़गांव में था तो गुड़गांव अथॉरिटी में उनको रजिस्टर्ड कराना था जी जी, और हरियाणा के किसी और पार्ट में उनका अगर प्रोजेक्ट था तो उनको पंचकूला में रजिस्टर्ड कराना था जी। तो हर डेवलपर के लिए कंपलसरी था कि वो अपने आप को गुड़गांव या पंचकूला में रजिस्टर्ड कराएगा अगर हरियाणा का प्रोजेक्ट है, नंबर वन जी। नंबर टू, कोई नया प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करेगा तो वो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जो आपने जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है एक्ट के तहत, उस बिना रजिस्ट्रेशन कराए अगर रेरा का अथॉरिटी में रजिस्टर नहीं कराता तो कोई भी डेवलपर एक सिंगल यूनिट भी नहीं बेच सकता। अगर वो बेचता है तो सेक्शन 59 का वायलेशन करता है, और उस पर उसके जो टोटल प्रोजेक्ट है जी, उसका भारी जुर्माना 5% तक उसकी कॉस्ट का जुर्माना उस पर लग सकता है। मतलब अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और रजिस्टर नहीं कराता तो 5 करोड़ रुपये तक की पेनल्टी उस पर लग सकती है। और अगर याद दिला दूँ, जब गुड़गांव में ये रेरा अथॉरिटी बनी थी तो बहुत से डेवलपर ने सिंपल एडवर्टाइजमेंट दे दी थी जी जी, तो हमारे गुड़गांव अथॉरिटी ने उस पर भारी जुर्माना लगाया और ये मैंडेटरी कर दिया गया, काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करा गया। और अब कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं है कि बिना अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराए बेचना स्टार्ट करें। अब वो रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है जी जी, वो बेसिकली रेरा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो हरियाणा के अंदर वेबसाइट है वो haryanarera.gov.in है जी। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आप वहाँ जा सकते हैं उस रजिस्टर वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल होती है। डिटेल में क्या होता है, लैंड कितनी है जी, किसके नाम है, उसने DTP से जो लाइसेंस लिया डेवलपर ने, कब लिया, कब तक वैलिड है, कितने यूनिट वो बनाएगा, कब तक बनाएगा, कितने कोस्ट के यूनिट हैं, उसका स्पेसिफिकेशन कितना है, उसके प्रमोटर हैं, जो डेवलपर है उसमें जो प्रमोटर हैं वो कौन कौन हैं, उनका नाम एड्रेस सब कुछ होता है। तो बिना अब इस तरह अगर ये जब सब जानकारी एक आम आदमी के पास होती है,
तो वो आम आदमी इन्फॉर्मेशन लेके तो डेवलपर उसका शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे अभी बताया था पहले मैंने आपको, पहले तो डेवलपर खाली जमीन के ऊपर ही बिना लाइसेंस लिए बिना अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराए ना बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराई बेचना स्टार्ट कर दिया करता। अब वो बेच ही नहीं सकता जी। जो पहले की घटना है 2007, 2008, 2010, 2012 तक की वो यही है कि डेवलपर ने कागजों में अपने प्रोजेक्ट बेच दिए, एलओटी ने पैसे दे दिए, फिर डेवलपर ने वो पैसे डाइवर्ट कर दिए जी। डाइवर्ट कर दिए तो वो अब पैसे ना उसके पास पैसे हैं तो इसलिए प्रोजेक्ट स्टक हो गए, मिडल में अमेंडमेंट करने पड़े। परंतु अब जो नए प्रोजेक्ट 1 मई 2017 के बाद नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं या पुराने हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो उससे अब डेवलपर चाह के भी अपनी उसको जब भी सारी बातें वेबसाइट पे उसको डालनी ही पड़ेगी, तभी उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही वो बेच सकता है, उससे पहले बेच ही नहीं सकता। दूसरा एक बात और अच्छा है रेरा के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर एक प्रोविज़न है कि आप 10% से ज़्यादा पेमेंट नहीं लोगे उसके तुरंत बाद आप एग्रीमेंट साइन कराओगे। मतलब आपने कोई 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया मान लो जी, तो 10 लाख रुपए तो टोकन मनी या एडवांस मनी डेवलपर को एलओटी ने दे दिया जी। उसके बाद डेवलपर को एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा एलओटी के साथ जी। उस एग्रीमेंट से कुछ लिखा होता है कितने का फ्लैट है, स्पेसिफिक लिखनी पड़ती है कि कौन सी टाइल लगाएगा, कौन सा सैनिटेशन वर्क लगाएगा, सारा कुछ लिखना पड़ता है। तो वो 10% से ज़्यादा पेमेंट ले ही नहीं सकता, पहले 10% पेमेंट लेगा उसके बाद एग्रीमेंट साइन करेगा, उसके बाद ही बाकी पेमेंट मांग सकता है। बट बहुत बार तो ऐसा होता है या फिर हम खबरों में भी आता है या काफी सारे जो है वो बायर्स हमारे साथ भी कनेक्ट करते हैं, वो तो कहते हैं कि हमने पूरी अमाउंट दे दी। ऐसा देखो पहले देखो 1 मई 2017 से पहले तो ऐसा हुआ है जी, पर 1 मई 2017 के बाद अगर कोई भी डेवलपर ने बिना एग्रीमेंट करे जी जी डेवलपर से 10% से ज़्यादा भी पेमेंट मांग लिया है तो एलओटी वो पेमेंट रिफंड मांग सकता है, वो कोर्ट में जाएगा तो 100% उसको पेमेंट मिल जाएगी और डेवलपर को भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि नए एक्ट के तहत ये स्पष्ट है। जब मैं वही बता रहा था जब नया एक्ट बना तो हमारे जो लेजिस्लेटर थे जो जब एक्ट बना रहे थे तो उनको इस बात का पता था कि डेवलपर इस तरह शोषण करता है, तो उन्होंने कंडीशन लगा दी सेक्शन 13 के तहत 10% से ज़्यादा पेमेंट बिना एग्रीमेंट करे साइन डेवलपर एलओटी से मांग ही नहीं सकता। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी डेवलपर आपने कोई यूनिट 50 लाख की खरीदी है तो 5 लाख से ज़्यादा अगर पेमेंट मांग रहा है और आपसे एग्रीमेंट साइन नहीं कराया तो उसने वायलेशन किया है, आप वो लेटर लेके डिमांड लेटर लेके कोर्ट जाएंगे तो आपने जो 5 लाख से जमा कराया है वापस मिल जाएंगे आपको या उस पर जुर्माना लगेगा। तो अब कोई भी डेवलपर 10% से ज़्यादा पेमेंट मांग ही नहीं सकता बिना एग्रीमेंट साइन कराए। आप सभी से भी अनुरोध है कि ये जो जानकारी आपको दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि जो आए दिन हमारे सुनने में आता है कि इतने सारे बायर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई है या उन्होंने मकान ले लिया, दुकान ले लिया, घर ले लिया और उसके बाद जो है उसको पोजेशन होकर वो फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं, घर नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, जानकारी लेने की जरूरत है। अगर और भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे कॉमेंट लिख सकते हैं। जिस तरीके से अभी हम अभय जैन जी से बात कर रहे हैं और वो हमें पूरा स्पष्ट बता रहे हैं, अगर अभी भी कुछ किसी को कुछ डाउट है या किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है और उनको ये लग रहा है कि मैं इसका हल कैसे निकालूं, तो भी आप हमें नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। एक और बड़ी बात अभय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या अगर रेरा में सपोज अगर हम डालते हैं कोई हमारी कंप्लेंट है या फिर हमें किसी जो है डेवलपर ने चीट किया है या फिर उसने हमें उसकी कुछ कंप्लेंट करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या हमें पहले एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा या क्या सिस्टम क्या है? नहीं, रेरा में बहुत सिंपल सिस्टम है, कोई भी एलओटी स्वयं एक अपनी कंप्लेंट फाइल करके हमारे गुड़गांव स्वयं मतलब खुद वो कर हाँ, सकते सेल्फ खुद कर सकता है। उसमें 1000 रुपये फीस रखी गई है गुड़गांव हरियाणा के अंदर, गुड़गांव में और पंचकुला में भी। अगर वो अगर एलओटी हरियाणा का है, गुड़गांव का है तो गुड़गांव के अंदर, और गुड़गांव के बाहर का हरियाणा का अगर किसी और ज़िले में उसने कोई यूनिट लिए तो उसकी शिकायत तो पंचकुला अथॉरिटी में कर, दोनों जगह 1000 रुपये फीस है। उसके बाद वो अपना बहुत सिंपल प्रोसीजर है, वो खुद जाके अपनी बात आर्गूमेंट कर सकता है कि मेरे से डेवलपर ने ये शोषण किया। मैं स्पष्ट बता दूँ इसमें शोषण क्या हो सकता है जी। अगर एलओटी को डेवलपर ने जो क्वालिटी की है वो क्वालिटी अगर उसने नहीं दी है, क्वालिटी का मतलब एग्रीमेंट में उसने लिखा है कि मैं ऐसे आपका स्पेसिफिकेशन दूंगा, वो नहीं दिया है तो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। एग्रीमेंट में मान लो सपोज डेवलपर ने कहा है कि कल्पना कर लीजिए कि 1 जून 2024 को मकान पूरा बना के पूरा दे देगा, अगर 1 जून 24 को बना के नहीं देता तब वो नोटिस कोर्ट में जा सकता है कि मुझे लेट दिया है तो मुझे इसका डिले पोजिशन इंटरेस्ट दिया जाए, तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। नंबर थर्ड, अगर ज़्यादा पैसे मांगता है
तो भी अलोटी कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सी पहले घटना आती थी, पहले देखते उसको कहा आपका यूनिट 50 लाख का है, जब यूनिट तैयार हो गया तो कह दिया 60-70 लाख का बना, तो ज्यादा अगर एज पर एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट मैंडेटरी है तो ज्यादा पैसे मांगते हैं कोर्ट में जा सकता है। नंबर थर्ड, अगर जो साइज उसको बोला गया है, जो उसको बोला गया कि तेरा ड्राइंग रूम यहाँ होगा, तेरा बेडरूम यहाँ होगा, तेरा किचन यहाँ होगा, लेआउट बिल्डिंग प्लान, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर वेरिएशन किया है तो अलाउ है, ज़्यादा वेरिएशन किया है तो वो इवन बायर चाहे तो अपना यूनिट वापस पैसे मांग सकता है, तो कोर्ट उसको विद इंटरेस्ट पैसे वापस देगी। अगर ज़्यादा वेरिएशन किया है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन किया, यदि उसको कमिट करा 1500 स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट होगा, 1500 जगह वो 1500 का हो गया, 10% अलाउ है तो ठीक है, 1500 जगह उसका फ्लैट अगर मान लो 2000 स्क्वायर फीट का बना दिया और कह दिए कि 500 स्क्वायर फीट पैसे एक्स्ट्रा दे, अलोटी को राइट है, वो मना कर सकता है कि मैं 1500 स्क्वायर फीट का मैंने लिया था, मेरा 50 लाख का था, 75 लाख का नहीं लेता, मुझे वापस दो, तो डेवलपर को भी इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा। सेम छोटा का साइज हो जाता है तो भी डेवलपर अलोटी पैसे वापस मांग सकता है। तो चार मेजर कंपोनेंट है, डिले करता है तब जा सकता है, क्वालिटी ठीक नहीं है तो जा सकता है, साइज छोटा बड़ा कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा कर दिया तो वापस जा सकता है, और जो स्पेसिफिकेशन है बिल्डिंग प्लान है उसमें बदलाव है या लेट कर रहा है तो भी कोर्ट में जाके अपना रिलीफ मांग सकता है, और यही लोग खुद ही जाकर लड़ सकते हैं, अपना सिंपल ही है, खुद बन सकते हैं। देखो सिंपल केस है, वो थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं, वो थोड़ा एक्टिव पतला सा एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, वो पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा जी। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे भारत में लगभग 33 अथॉरिटीज पूरे इंडिया में है, हरियाणा में 2 हैं, तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अपेयर होते हैं, तो हमने महसूस ये करा है कि सब अथॉरिटीज़ अलोटी की मदद भी करती हैं, ऐसा नहीं है, अगर अलोटी खुद केस फाइल करता है तो इवन जज जो हैं, जो मेंबर्स हैं कोर्ट के, वो उनको गाइड भी करते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो भी काम हो जाता है, क्योंकि सिंपल एक्ट है। और ये एक्ट इसलिए बना है कि जो डेवलपर एक आम अलोटी का जो शोषण कर रहे थे वो शोषण ना कर पाए, एक आम आदमी को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा, आपको बता दूँ मैं, ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है ये बहुत बड़ा सेक्टर है, और एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा जीडीपी यही देता है, लगभग 10% जीडीपी का ऐसा माना गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जी जी, क्योंकि सीमेंट लोहा बहुत इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, पेंट वगैरह, और मोदी जी ने भी कहा है कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल सबको होना चाहिए, तो मकान अभी बहुत बड़ी क्वान्टिटी में आम आदमी के मकान की आवश्यकता है, और एक आम आदमी सपना लेता है कि मेरा अपना मकान हो, तो बहुत बड़ी सेक्टर है, और अभी भारत में इसकी और अधिक प्रोग्रेस हो रही है, तो ये सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होने से बहुत अधिक जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की, अब डेवलपर को उन्होंने अकाउंटेबल बना दिया है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, और मैं समझता हूँ कि सेक्टर के रेगुलेशन होने से जी, तो आपको लगता है कि रेरा जो है वो इतना पावरफुल है कि वो जो अलॉटी को है समय पर जो है इंसाफ दे पाए, क्योंकि बात यहाँ पर आती है कहीं ना कहीं बिल्डर्स को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी हम कह सकते हैं कि प्रेशर रहता है, या फिर हो सकता है कि प्रेशर होता हो, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि रेरा को और कैसे, मतलब क्या वो सही में पावरफुल है उतना? देखिए जी, मेरा अनुभव पिछले 5 साल जब से रेरा अथॉरिटी इंडिया में आई, हम लोग गुड़गांव, पंचकुला, नोएडा और जयपुर में केस लड़ रहे हैं जी। और मेरा मानना है कि अगर अलोटी सचेत रहेगा, अवेयर होगा, तो वो अपने राइट को निश्चित रूप से ले पाएगा जी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या 5 साल में कुछ बदलाव आया, तो मेरा मानना है निश्चित रूप से इस सेक्टर में बदलाव आया है, थोड़ा धीरे जरूर है, पर क्योंकि 2 साल तो कोविड आ गया था उससे भी काफ़ी कुछ फर्क पड़ा, पर सेक्टर में निश्चित रूप से बदलाव आया है। पहले अगर आपने सुना हो, जैसे मैंने बताया कि 2005 सन की बात करूं, तो इसमें बहुत से डेवलपर ने बहुत आम आदमी का शोषण किया है, अब वो शोषण करने से घबरा रहा है, और ये इसलिए सब घबरा रहा है क्योंकि अथॉरिटी आ गई है और अब आम लोग भी अवेयर हो गए हैं। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जो भी आम आदमी को लग रहा है कि डेवलपर ने साथ शोषण किया है, आप कृपा करके अपने राइट्स के लिए आप रेरा में लड़ें, क्योंकि लड़ेंगे ही तभी थोड़ा और सिस्टम और अवेयर होगा, जो कमी है वो दूर, जैसे एक बहुत बड़ी कमी है एक्ट में, साफ प्रोविजन है कि 60 दिन में फैसला हो जाना चाहिए, पर 60 दिन में फैसला नहीं हो रहा जी। पर जब सब लोग लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, शिकायत करेंगे, सुझाव देंगे, तो इम्प्रूवमेंट भी होगा जी, निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी मतलब सुधार काफ़ी हुआ है, पर और भी ज़्यादा सुधार की अभी आवश्यकता है। तो अभी यहाँ पर जो चेयरमैन है वो कैसे बनते हैं, और अभी जो करंट में है वो चेयरमैन कौन है रेरा में, गुरुग्राम की अगर बात की जाए? लकड़ी हमारे हरियाणा कैडर के सीनियर आईएएस अफसर के खंडेलवाल जी चेयरमैन बने थे लगभग 5 साल पहले, और लगभग आज ही वो रिटायर हुए हैं जी। और अभी हमारे यहाँ 3 मेंबर हैं और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं,
जो सीबीआई के जज रहे हैं राजेंद्र भारद्वाज जी, वो हैं एओ साहब, और तीन मेंबर भी हैं अभी। तो अभी उनके रिटायरमेंट होने से निश्चित रूप से चेयरमैन की कमी तो हमें खलेगी, परंतु तीन मेंबर हैं, उनके पास पूरी पावर है, और वो अभी पिछले दो महीने से सब कोर्ट वही लगा रहे थे और वो फैसला दे भी रहे थे, तो काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि तीन मेंबर हैं। तो इसके लिए कुछ होता है कि कोई सिस्टम आईएएस हो या फिर कैसे? हाँ, ये हमारे यहाँ पूरे भारत में यही हो रहा है कि जो चेयरमैन बने हैं पूरे भारत में, जो रेरा के चेयरमैन बने हैं अलग अलग स्टेट में, सब जगह जो सीनियर आईएएस अफसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के, चीफ सेक्रेटरी लेवल के, उनको बनाया गया है चेयरमैन, और उन्होंने भली भांति अपना काम संभाला है और लोगों को रिलीफ मिला है वो, परंतु मेरा मानना है कि और अधिक इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता भी है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो हरियाणा की बात करते हैं तो यूपी में एक सिंगल मेंबर बेंच बैठकर जज फैसला सुना देता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड मान लिया है जी। जैसे हमारे यहाँ तीन मेंबर हैं, तो अगर दो कोर्ट लग जाएं जी अलग अलग जी जी जी, क्योंकि सिंपल एक्ट है तो सिंपल है, तो उससे क्या होगा, अब तो क्या हो, दोनों जज साथ साथ बैठते हैं, तीनों साथ बैठते हैं, तो तीनों फैसले सुना रहे हैं जी, जी। तो एकदम तीनों मिलके मान लो 50 फैसले सुना रहे हैं जी, जी। अगर दो कोर्ट लग गई तो 50-50 40-40 फैसले सुनाएगा, तो 80 फैसले हो गए जी, जी, जी। तो उससे फायदा होगा। तो गुड़गांव में मैं समझता हूँ कि क्योंकि तीन मेंबर हैं, तो मेरा तो सुझाव सरकार को यही है कि हम सिंगल बेंच भी फैसला सुनाए तो जल्दी काम हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। और जैसे पंचकुला की और गुड़गांव की बात करें हरियाणा की, तो पंचकुला में थोड़ा बेटर काम होता है, अच्छा काम होता है और स्पीडली काम होता है, अगर दोनों को गुड़गांव और पंचकुला कंपेयर करेंगे तो बहुत बेटर, पंचकुला और गुड़गांव में बहुत ज़्यादा अंतर है और पंचकुला फार फार बेटर है। तो हम उम्मीद गुड़गांव की, हम गुड़गांव के बजट काफ़ी हैं, तो गुड़गांव में से हम उम्मीद करते हैं कि बेटर काम करें। अब क्योंकि 5 साल हो गए हैं जी, तो अब जो शुरू में जैसे बर्थ पैंक्स होते हैं, दुख होता है जब नया नया बच्चा चला सकता, परंतु अब सब एस्टेब्लिश हो गया है, तो अब आम जनता भी उम्मीद करती है कि बेटर काम होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अब समय आ गया है कि रेरा स्ट्रॉन्गली बेटर काम करना स्टार्ट करे। जो कुछ लोगों की शिकायत है कि रेरा डेवलपर के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, अपने ऑर्डर दे देता है परंतु उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता जी, है जी, जी। तो अब हम उम्मीद करते हैं गुड़गांव रेरा से कि इसको स्ट्रॉन्गली फॉलो करें और आम आदमी के जो राइट्स हैं जी जी, उसको इंश्योर किया जाए, उनको वो अपने राइट्स, उनको अधिकार उनके मिले। अभी जी आपने इतने लंबे वक्त से जो है आप वकालत कर रहे हैं, आप पूरा एडवोकेट का इतना ज़्यादा हम कहें कि पूरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा लंबा चला आ रहा है, और रेरा एक्सपर्ट होने के नाते कैसे केसेस आए हैं आपके सामने, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को कि वो कैसे सतर्क रहे, कैसे जागरूक रहे, कुछ टिप्स देना चाहें ताकि वो जो आने वाला टाइम है उनके लिए वो बेहतर हो सके, वो किसी भी हम कहें झमेले में ना पड़े या किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। एक तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी जिस प्रोजेक्ट में भी एक आम आदमी कोई इन्वेस्ट कर रहा है, मकान ले रहा है, दुकान ले रहा है, उसमें उस डेवलपर का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप रेरा की वेबसाइट पर जाएं और चेक करें कि डेवलपर ने जो कुछ भी आपको कमिट किया है अपने पंफलेट के माध्यम से, अखबार में एड दे के माध्यम से, या अपने सेल्समैन के माध्यम से, वो सब उस बात है या नहीं है, आप उस डेवलपर के बारे में समझें जानें तभी अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करें, नंबर वन। नंबर टू, आप 10% से ज़्यादा यूनिट का कॉस्ट डेवलपर को पे ना करें जब तक आपका एग्रीमेंट साइन ना हो जाए। एग्रीमेंट को आप ध्यान से पढ़ें, आपको लग रहा है कुछ कमी है उसको बताएं डेवलपर को, और रेगुलरली आप वेबसाइट के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। और चार मोटी मोटी बातें जैसे मैंने बताई जी, जो कमिट कर रहा है जिस डेट को पोजिशन आप उसने देना है, वो नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्वालिटी, जो कमिट कर रहा है अगर वो क्वालिटी नहीं है तब आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर स्पेसिफिक बिल्डिंग प्लान उसे चेंज कर दिया, यदि आपने दुकान ली है, लेआउट दुकान आपको कहा है कि आपकी दुकान दो साइड ओपन हो गई, जब लेने जब दुकान बन गई तो पता लगा दो साइड ओपन ना होगी, एक साइड रह गई, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप चाहें तो रिफंड भी मांग सकते हैं, कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। तो इस तरह जो भी कमिटमेंट डेवलपर ने आपके साथ करी है वो उसको पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए मैंडेटरी है। अगर नहीं करता तो आपको पूरा राइट है, आप कोर्ट जाएँ, और आप जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे, आम आदमी अपने अधिकारों के सचेत के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जब तक अथॉरिटी के पास जाके अपनी आवाज़ नहीं सुनाएगा, आप जोर से नहीं बोलेगा जी जी, तब तक इस सिस्टम में और अधिक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप जरूर, अगर आपके साथ कुछ भी शोषण हो रहा है जी, कुछ भी गलत डेवलपर कर रहा है, तो उसकी आवाज़ उठाएं, क्योंकि दुर्भाग्य की ओर बताता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से
ज्यादातर तो लोग बेचारे डर के मारे कि डोर पर बड़ा है जी 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 तो भी नहीं जाते जी। परंतु मेरा मानना है कि डोर पर बड़ा हो सकता है, परंतु आप भी अपने आप को कमजोर ना माने। आपके साथ अगर डेवलपर ने कुछ भी गलत किया है तो आप अपनी आवाज़ जरूर उठाएं, कि जब आवाज़ उठेगी तो निश्चित रूप से उसका असर होगा, और मैं समझता हूं असर भी नहीं होगा बल्कि आपको न्याय भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जैन जी हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। और मैं सभी व्यूवर से भी कहना चाहूंगी कि आप सारी उम्र भर की जो जमा पूंजी है अपना एक मकान दुकान घर बनाने में लगाते हैं, तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सोच समझकर उस पे पैसे लगाएं। जैसे कि हमारे रेरा एक्सपर्ट एडवोकेट अभय जैन जी ने बताया है अभी कि क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ भी शोषण होता है फ्रॉड होता है आप किस केस में है जो रेरा में जा सकते हैं, और साथ के साथ आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। मात्र 1000 रुपए जो है उसकी फीस है, अगर गुरुग्राम के हैं आप तो गुरुग्राम में, अदरवाइज बाकी 21 स्टेट से हैं तो आप फिर पंचकुला में जा सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेशन लगातार हम आपके साथ शेयर करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे अभय जैन जी से नेक्स्ट टाइम भी लेने का कि अफोर्डेबल हाउसिंग का भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी आ रही है, ताकि हम उसके ऊपर भी डिस्कस करें। बट आज से रिलेटेड आपको कितनी ज्यादा जो है इसकी नॉलेज मिली, क्या आप कहना चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि रेरा के लिए बहुत ज्यादा लोग जानते तो है बट उनको पता नहीं है कि वो क्या चीज है और हम कैसे जो है इसका लाभ उठाए और ये किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप सभी से अनुरोध है जागरूक रहें, सतर्क रहें। आप अपने देश के बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं बट तभी अगर आप जागरूक रहेंगे और सतर्क रहेंगे तभी। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि नीचे हमें कमेंट जरूर करें, कुछ भी डाउट है क्वेरी है आप नीचे कमेंट करें, और लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे, ऐसे ही जागरूकता के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि और भी जो है अवेयरनेस है जो पूरे देश भर में फैले और लोगों को पता लगे कि क्या कुछ चीजें हैं जिनके बारे में उनको पता तो है बट वो समझते नहीं है उसको। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च। थैंक यू।